दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर सीखो और कमाओ योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, किस प्रकार से आप कंपनी में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कितना आपको यहां पे पेमेंट मिलने वाला है, ये सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करें तो आप अगर 12th पास हैं तो आपको 8,000 रुपए प्रति माह, और अगर आप ITI हैं तो आपको 8,500, और डिप्लोमा होल्डर को 9,000, एवं जो UG या PG जिनका कंप्लीट है उनको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा, अधिकतम 1 साल के लिए दिया जाएगा जब से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे जो अलग अलग फील्ड हैं उनको लगभग 703 कैटेगरी के जो फील्ड है उसको चिन्हित किया गया है, और उस सभी फील्ड में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको दक्ष बनाया जाएगा, जिससे आप ट्रेनिंग के बाद आप उस कंपनी में या खुद का बिजनेस शुरू कर सके और आपको आसानी से जॉब मिल सके। इसके साथ आप सीखने के साथ ही कुछ पैसा भी कमा सके। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपको इस योजना में 18 से 29 वर्ष के अंदर होना चाहिए तभी आप पात्र होंगे, यानी मिनिमम आप 18 वर्ष के और अधिकतम 29 वर्ष के आप होने चाहिए, और कम से कम आप 12th पास होने चाहिए तभी आप पात्र होंगे। अगर दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और आप जिस शैक्षणिक योग्यता के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्कशीट, इसके अलावा अगर कोई जरूरी दस्तावेज है वो आप सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो इनको आप बनवा के रख लीजिए। अगर हम आवेदन करने के प्रोसेस की बात करें तो योजना में आवेदन 15 जून से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद इनका जो पोर्टल होगा वहां पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो भी कंपनी इस योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट शो करेंगी और अपने आप को रजिस्टर करेंगी उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको मंथली मिलेगा। यहाँ पे 75% का पेमेंट जो DBT के माध्यम से आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, तो आपका आधार और बैंक लिंक होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको यहाँ पे पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो 25% होगा वो जहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे उनके द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा अगर जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ पेमेंट आपको दिया जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा होगा, उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 जून से जो कंपनी इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहती है उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उनका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 15 जून से आवेदकों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो प्लेसमेंट है 15 जुलाई से होगा, और 31 जुलाई को जो कंपनी है और गवर्नमेंट उनसे क्या होगा एग्रीमेंट होगा, उसके बाद अगस्त से आपको ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी और आपको पेमेंट मिलने लगेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कंपनी किस बेस पे सेलेक्ट होगी, कितने लोगों को एक कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकती है। तो जितने आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं उसका 15% मैक्सिमम आप बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए आपका GST नंबर और PAN नंबर अनिवार्य है। अब जिन कंपनी में 20 से कम लोग काम करते हैं उनके घोषणा पत्र के आधार पे उनका माना जाएगा, और जिन कंपनी में 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं उनके EPF की डिटेल के बेस पे कर्मचारियों की गणना की जाएगी। यानी अगर आपके यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं तो आप 15 लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पे दे सकते हैं। यानी जब आप कंपनी सेलेक्ट करें तो वहां पे आप देखें कि किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है, उसी के बेस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार के आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। योजना की डिटेल नोटिफिकेशन के बाद हम आपको डिटेल में वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।